Welcome back to class, our 11th students. In previous lecture, we have discussed a lot of things in which basically linear equation of motion, जो कि हम लोगों ने motion straight line में पढ़ा था, बिल्कुल same वैसे ही rotational motion की जो equations होती हैं, उसको भी हम लोगों ने previous turn में करा था. तो ये एक basic चीज है. ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि लीनियर मोशन जब हम कर रहे थे, जो मोशन स्ट्रेट लाइन आई थिंक सेकंड चैप्टर था आपका, या थर्ड चैप्टर था, वहाँ पर हम लोगों ने करा था कि मोशन स्ट्रेट लाइन चल रहा हो रहा था, और देन उसके अलावा उसमें क्या क्या इक्वेशंस होंगी. इक्वेशंस ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू टी प्लस आर पी टी स्क्वायर, एंड ऑल्सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये सारी चीज़ें थी. देन सेम वैसे ही जब कोई रोटेशनल मोशन हो रही हो तब कितनी इक्वेशन होंगी. तो लास्ट वन पे मैंने बताया था ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, देन थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस वन अपॉन टू अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा टी. ऑल दीज आर द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. ओके, फिर इसके अलावा हम लोगों ने एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश करा था, विच इज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द एंगुलर एक्सीलरेशन. तो ये डिस्कशन प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने करा था. आज का जो हमारा डिस्कशन है वो स्टार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन से. देखिए, वी ऑल नो दैट कि जब मोशन स्ट्रेट लाइन हो या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती थी. बट अगर एक्चुअल में कोई जो बॉडी है वो क्या कर रही है, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, देन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो हमको निकालना है. तो लेट अस कंसीडर A body is rotating about a fixed axis. ठीक है, let us consider a body is rotating about a fixed axis. एक fixed axis के about जो body है वो क्या कर रही है, rotate कर रही है. ठीक है, एक और खास बात है, हम ये लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आउट ऑफ फिक्स एक्सिस. ठीक, आपको मालूम है कि जो एंगुलर टर्म्स जितने भी रोटेशनल मोशन में आते हैं वो सारे जो है क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सीलरेशन हो वो कांस्टेंट होता है, बट जो लीनियर टर्म्स होते हैं रोटेशनल मोशन में वो सारे टर्म्स क्या करते हैं, वेरी करते हैं. लेट ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी ऑल्सो मूव्स विद सेम एंगुलर velocity, but these have different linear velocities. ठीक, अब देखिए इतनी बात तो हो गई. अब हम लोग अंडरस्टूड है आगे के लिए कि हम मान के चल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटीज v1 v2 v3 v4 एंड सो ऑन होंगी, सिमिलरली इनके मासेस m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन होंगे. ठीक है, तो अब हम सीधे चलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. चलिए देखते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी. है तो हाफ क्या करेंगे आप, हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये दो होता है ना, तो हाफ m1 और v1 की जगह r1 ओमेगा, क्योंकि जो है वेलोसिटी यहाँ पर आएगी क्योंकि रोटेशन मोशन है, तो v1 की जगह होता है r1 ओमेगा, तो उसकी जगह r1 ओमेगा का स्क्वायर, और k1 इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल्स,
तो के टू की बात करेगा तो हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर के थ्री की बात करेगा तो हाफ एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसे है, हम लोग एंड सो ऑन चले जाएंगे, ठीक है। हेंस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कैपिटल के इक्वल टू हाफ, सबको ऐड कर दें, एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा, है ना। और के इसके अलावा क्या है, ओमेगा स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो वन अपॉन टू एम वन आर वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू, या वन अपॉन टू भी कॉमन ले ले, क्या दिक्कत है ना। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इसको हाफ आगे कर दिया है और ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया इधर, ठीक है। और अब हम इसको लिख सकते हैं के वन अप इक्वल टू वन बाई टू, और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन से एन एम आई और आर आई का स्क्वायर, ये हम आपको बता चुके हैं ओमेगा स्क्वायर। और आपको मालूम है इस टर्म्स को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो देयर फोर के इक्वल टू कितना आ गया, वन अपॉन टू आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक। तो देयर फोर आई इक्वल टू, आपने सिंस आई इक्वल टू आपने क्या यूज करा है, आई इक्वल टू वन से एन एम आई आर आई स्क्वायर, दैट्स इट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशन अगर हमें बतानी हो तो हम यहाँ से बता सकते हैं वो कितनी होती है, के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो ये अभी आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, सो स्टूडेंट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रिलेशन है, या रिलेशन कहें या उसको कहें कि एक फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल के आप देखते हैं, जब कोई साइकिल या मोटरसाइकिल की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट जो उसका जो व्हील होता है वो रोटेट भी करता है, ठीक है। एंड इसके साथ में क्या होता है, वो लीनियर मोशन भी क्या करता है, कवर करता है, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेवल करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक मैं ये मान लूँ कि मेरे पास ये एक व्हील है, ठीक, ये देखें ये, तो ये एक व्हील है और हम इसको अगर एग्जाम्पल के लिए कहें तो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी कर रहा है, और रोटेट करने के अलावा ये जो है आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक, ये रोटेट करने के अलावा क्या है, ये देखिए, ये आपने देखा यहाँ पर कि ये क्या कर रहा है, रोटेट तो कर ही रहा है फिक्स एक्सिस के अबाउट, लेकिन कुछ लीनियर डिस्टेंस भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो आप इससे क्या निकालते हैं कि एक ऐसी चीज जो कि रोटेट कर रही हो बट ऑल्सो स्ट्रेट लाइन मोशन में कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रही हो, स्ट्रेट लाइन मोशन भी परफॉर्म कर रही हो, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसको देख लेते हैं। नोट, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स बोथ रोटेशनल एंड लीनियर मोशन, देन व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स बोथ रोटेशनल एंड लीनियर मोशन, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, देखिए आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन
then the product of its mass and velocity is known as the linear momentum. Also, यहाँ पर क्या होने वाला है कि if there is a body and body is rotating about a fixed axis, then यहाँ पर जो momentum अब आएगा वो कैसा आएगा? Angular momentum आएगा. और definition क्या होगी? वो definition आप ध्यान से देखिए यहाँ पर. If a body is rotating about an axis, then total sum of if a body is rotating about an axis, then total sum of moments of linear momentum of all particles. हमने क्या कहा? If a body is rotating about an axis, then total sum of moments of linear momentum of all particles is known as angular momentum of the body. अब अगर इसको देखना है कैसे करें, तो जनरली एंगुलर मोमेंटम को जे से दिखाते हैं. तो जे अब मान लेते बहुत सारे पार्टिकल्स से लिख नहीं रहे, लेट अस कंसीडर देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 एंड m3 एंड सो ऑन आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंसेस r1 r2 r3 एंड सो ऑन फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस. तो हमने क्या कहा कि अगर हम एक डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें अलग अलग डिस्टेंस पे पार्टिकल, जैसे ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, सपोज ये m4 है ना, और ये m5 है, ये m6 है, ठीक है. सबके डिस्टेंसेस भी r2 है, ये r1 है, ये r3 है, ये r4 है, ये r5 है और ये r6 है. अलग अलग डिस्टेंसेस है सबकी, ठीक है, रोटेशनल एक्सिस से. ये हमने कर लिया. आप ध्यान रखिए आज सब लगभग सब जगह ये कॉमन है, पूरे चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन आते हैं. तो हमने क्या कहा कि हमने इसमें आपसे ये कहा है कि द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम इस कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम. तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए पहले पार्टिकल की बात करें तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 v1. और जब कहता है उसका मोमेंट लो, उसका मोमेंट का मतलब होता है उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस उससे मल्टीप्लाई करा देना. बहुत ध्यान से समझना. टॉर्क में भी यही हम लोगों ने करा था. टॉर्क में हम लोग क्या करते थे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, यही करते थे ना. सिमिलरली अगर आपको लीनियर मोमेंटम का मोमेंट बोले तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस. कभी भी किसी भी चीज का मोमेंट लेना हो तो मोमेंट लेने के लिए सिर्फ एक काम करना है कि उस क्वांटिटी में उसकी रोटेशनल एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई करा दो, मोमेंट निकल आएगा. तो हमने कहा लीनियर मोमेंटम था m1 v1, मान लिया p1 इक्वल m1 v1 होता है, ठीक है, और इनटू कितना हो गया, हमने कहा क्या कहा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बन जाएगा m1 v1 इनटू r1 प्लस दूसरे पार्टिकल के लिए m2 v2 r2 प्लस एंड सो और ये चला जाएगा पूरा. और आप इसको लिखना चाहो तो जे इक्वल टू, आप इसको जनरलाइज करके आपको लिखने का मन हो तो जे इक्वल टू समेशन ऑफ y इक्वल टू 1 से n mi vi ri, ये आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे कहता है निकालने को, वो आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आती है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक. तो बात आती है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. तो देखिए उसको कैसे निकालें, तो बहुत आसान है निकालना, वही सारी चीजें करनी है. लेट अस कंसीडर
a body having particles of masses m1, m2, m3 and so on are situated at distances r1, r2, r3 and so on from rotational axis. Is rotating about a fixed rotational axis. ठीक, तो क्या कर लिया, let us consider a body having particles of masses m1, m2, m3 and so on are situated distance r1, r2, r3 and so on from rotational axis या rotation axis. Is यानी कि body is rotating about a fixed rotational axis और जिसके पास ये पार्टिकल्स m1, m2, m3 मासेस के जो पार्टिकल्स हैं जो कि r1, r2, r3 एंड सो ऑन डिस्टेंसेस रोटेशनल एक्सिस पे एस्टेब्लिश्ड है, वहां पर है. ओके, सो नाउ लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. तो पहले एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम आप निकालिए, तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 v1, मालूम है, सिंपल सी बात है, या m1 v1 की जगह r1 ओमेगा रख दो, सिंस v1 की जगह कितना हो गया r1 ओमेगा, या v इक्वल टू r ओमेगा चूंकि होता है, तो m1 इंटू r1 इंटू ओमेगा. और एंगुलर हमने कहा था रोटेशन मोशन में सारे एंगुलर टर्म्स कांस्टेंट होते हैं. m1 r1 कितना आ गया, ओमेगा आ गया. ठीक है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, अब इसी का अगर आपसे कह रहा है क्या ले लो, मोमेंट ले लो, तो इसी में हमने क्या कहा था कि जो आपका दिया हुआ है यानी कि P1 इंटू कितना हो जाएगा R1, और ये P1 की जगह M1 R1 ओमेगा इंटू R1 रखोगे तो R1 स्क्वायर हो जाएगा. ये P1 की जगह जैसे M1 R1 ओमेगा यहाँ रखेंगे तो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा. तो ये देखिए आपका बन गया, दिस इज द रोमन में नंबर 1 बना लीजिए, तो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा आ गया, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आ गया. ठीक, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो. अब जब फर्स्ट पार्टिकल का हमने मोमेंट निकाल लिया लीनियर मोमेंटम का, तो अगर हम आपसे कहेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ निकालिए बॉडी का, तो क्या लिखेंगे, हेंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय J इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस सेकंड पार्टिकल का m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस थर्ड पार्टिकल का इसी तरह के m3 r3 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन हो जाएगा, है ना. अब m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन हो जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, मान लो एन पार्टिकल होंगे तो आप इसको समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से एन MIRI स्क्वायर इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखना चाहो तो प्लस MNRI स्क्वायर आप लिखो. ठीक, आप जानते हैं इसको एंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कहते हैं. तो ये कितना आ गया, जे बराबर कितना हो गया, I omega. This is the angular momentum of the body. Since I equal to होता है that's it. So it's a very very important derivation where we can establish the relation between the moment of inertia to the angular momentum. So you can pause the video and note it down.
ओके सो डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. सो वी नो दैट टॉ बराबर आपने पढ़ा है आई अल्फा. ओके अभी लास्ट टर्न पे ये रिलेशन प्रूव करा था. अच्छा इसको चाहे तो हम लोग टॉर्क बराबर आई इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं. आपको मालूम है क्यों? क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होता है. तो ये देखिए आ गया टॉ बराबर आई डी ओमेगा अपॉन कितना हो गया डी टी. ओके दिस इज द इक्वेशन नंबर. ओके फिर हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं. वी ऑल्सो नो दैट जे बराबर कितना होता है आई ओमेगा होता है. ठीक तो और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी तो डी जे इक्वल टू डी टी और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो ये अगर यहाँ पर आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वेशन नंबर टू हो गया. फ्रॉम वन एंड टू है ना, वन और टू से देखिए तो टाओ बराबर डी जे अपॉन डी टी लिख सकते हैं क्योंकि राइट साइड के दोनों कंपोनेंट बराबर हैं. तो देयरफॉर टाओ बराबर कितना आ गया डी जे अपॉन डी टी. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क. और यहाँ से एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है. इस टाओ बराबर डी जे अपॉन डी टी से एक चीज करेंगे और हम लोग कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक तो कंजर्वेशन ऑफ अगर एंगुलर मोमेंटम की हम लोग बात करें तो इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन अ रोटेटिंग बॉडी देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर हम कभी भी कोई टॉर्क अप्लाई ना करें बॉडी रोटेटिंग बॉडी पे तो हम इससे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी कैसा रहता है रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक तो विशो वी नो दैट अभी ऊपर वाली इक्वेशन से हमको मालूम है टॉ बराबर डी जे अपॉन डी टी है. ठीक है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यानी कि जो अभी स्टेटमेंट हमने दिया है कि टॉर्क क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए नो एक्सटर्नल टॉर्क तो टॉ की जगह जीरो कर दिया तो डी जे अपॉन कितना आ गया डी टी आ गया और डी जे बराबर कितना आ गया जीरो आ गया. अगर आपको मालूम है डिफ्रेंसिएशन में कोई क्वांटिटी है वो जीरो के बराबर है तो उसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते तो केवल डिफ्रेंसिएशन के बजाय इंटीग्रेशन से उसकी होल वैल्यू निकल के आती है यानी कि जे आ गया और जीरो का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाता है तो जे कॉन्स्टेंट हो गया. ठीक एक और खास बात याद आने की आपको मालूम है जे इक्वल टू आई ओमेगा होता है तो आई ओमेगा इक्वल टू भी कॉन्स्टेंट हो गया. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन ओमेगा यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एंगुलर जो है ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी पर आई की जगह आपको मालूम है एम आर स्क्वायर होता है तो एम आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा अगर हम लोग कर लें. अब मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे बढ़ेगा बॉडी का जब उसकी डिस्टेंसेस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस अगर बढ़ेगी डिस्टेंसेस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस अगर बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ेगा और फिर वहां पर क्या होगा कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो घट जाएगी. बहुत सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ तो आप कभी भी देखिए कि जो एक स्विमर होता है तो कुछ इस तरीके से स्विमर जो एक होता है तो कुछ इस तरीके से क्या करेगा किसी ऊंचाई से कूदता है
जब वो कूदता है तो उसके नीचे आने के जो रेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन क्या करता है, अगर वो अपनी बॉडी को इस तरीके से सिकोड़ लेता है और बेंड करके कूदेगा तो आप देखेंगे वो बहुत सारी हवा में क्या करता है, कलाबाजियां करता है, बहुत ज़्यादा रोटेट होता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है। पहली कंडीशन में जब दोनों हाथ फैले हुए थे यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ज़्यादा था, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख रहे हैं रोटेशनल एक्सिस से वो कैसा है, ज़्यादा हो गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी कम यानी कि उसके नीचे आने की जो दर है वो धीमी रहेगी। लेकिन जब वो अपने आप के सारे हाथ को सिकोड़ लेता है, अपने पैरों को मोड़ लेता है तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी से रोटेट करता हुआ नीचे की तरफ आता है बहुत तेज स्पीड से, क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया है। सो इसको आप नोट कर लीजिए जो सामने लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर स्टेटमेंट प्रूव करने गए तो जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट से काम खत्म हो गया। आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्वाभाविक रूप से कम होना चाहिए। और खास बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब ज्यादा होगा, जब जो एक तरीके से रोटेशनल एक्सिस से जो आर है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ज्यादा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, यानी कि आर ज्यादा होने का मतलब है ओमेगा कम हो गया। और अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास आप देख रहे हैं छोटा सा, यहाँ पर जो है आप देखिए एक छोटा सा आपको ये जो है पंखा दिख रहा है ना, एक छोटा सा पंखा है। तो अगर मैं इसको किसी तरीके से यहाँ पर फंसा लूँ और फंसा के अगर मैं चलाऊँगा तो आप यहाँ पर एक चीज़ महसूस करेंगे कि जो इसका रोटेशन है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं इसका, अगर हम ये देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी कम है। तो अगर मैं इसको कहीं किसी तरीके से फंसा लूँ यहाँ पर इस तरीके से, अगर फंसा लेता हूँ मैं, तो फंसाने के बाद ये मान के चलिए कि ये जो है बहुत तेज़ी से रोटेट करेगा। खैर कोई बात नहीं, जब तक नहीं फंस रहा तो हम इसको भी दिखा सकते हैं। ये देखिए अब इसका जो है, अगर मान लेते हैं तो ये देखिए कितनी स्पीड है इसकी, ठीक, और कितनी तेज़ घूम रहा है। फुल मैं इस समय तरीके मशीन से चला रहा हूँ तो आप देखिए कितनी तेज़ ये मोशन कर रहा है। अब मैं इसकी जगह दूसरी चीज़ ले रहा हूँ और वो दूसरी चीज़ क्या है, या एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी आप इसको देखिएगा, इसको मैं फुल चला रहा हूँ तो ये देखिए इसका रोटेशन देखिए कितना अच्छा रोटेशन इसका आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से, ठीक। अब अभी इसमें हम एक बदलाव कर रहे हैं, और बदलाव क्या कर रहे हैं, बदलाव करने के लिए मैंने इसमें क्या कर दिया है, ये देखिए अब मैंने इसमें आप देख रहे होंगे इसकी ये जो तीन डंडियाँ दिख रही हैं, तीन पैर इसके दिख रहे हैं। तो अभी आप इसके देखेंगे फुल चलाने के बावजूद इसकी रोटेशन की स्पीड कम हो जाएगी, ये देखिए। अब अगर आप रोटेशन की स्पीड महसूस करेंगे तो कम हो जाएगी और उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये इस तरीके से गिर गया। अब ये देखिए ये हो गया। अब इसको हमने जब फुल चला रहे हैं तो पहले इसकी स्पीड अगर कंपेटिवली मैं महसूस कर पा रहा हूँ इसकी स्पीड क्या थी, केवल जब ग्रीन वाला जो आप ये लगा हिस्सा लगा था तब स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और अब स्पीड चूँकि इसकी थोड़ी सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गई, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से कि अब इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी पहले के कंपेयर में कम हो गई है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जो है एग्जाम्पल है कि जब भी हम ये कह सकते हैं कि जब भी क्या होगा कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई डोरी हो तो उस डोरी से एग्जांपल के लिए मैंने पहले भी दिखाया था, आप ये देख रहे हैं। अब अगर इसकी हम ये क्या करें, इसको घुमाना है हमें, और घुमाने के लिए इसकी देखिए डोरी ज़्यादा लंबी है, ठीक है, ज़्यादा लंबी होने का मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होने वाला है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा होने वाला है तो फिर इसकी जो मोशन धीमी होगी, ये देखिए ये मैं घुमा के ताकत लगा रहा हूँ और आप इसका देख लीजिए कि ये जो है इसकी स्पीड आपको कम दिख रही है। अब आप इसको ये देखिए, अब मैंने इसका ये क्या कर दिया, रेडियस क्या कर दी है, छोटी कर दी है, लेकिन अब इसकी मोशन आप देखिए बढ़ गई, और छोटी में कर रहा हूँ, ये देखिए अब इसकी रोटेशन पहले के अंपेयर में और बढ़ गई, थोड़ा हैवी है इसलिए थोड़ा करना कठिन है। तो कहने का मतलब है कि बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी का कम होना, क्लियर हो गई बात। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसीलिए एक और आपको मैं बहुत बड़ा मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है तो जुपिटर इज अ लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर गैलेक्सी, तो अगर हम इसका रोटेशन देखेंगे तो एज कंपेयर टू द अर्थ कुछ धीमा होगा,
क्यों धीमा होगा, उसका के पीछे जो लॉजिक है उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि उसका जो है जैसे आपको मालूम मोर देन 110 हम अर्थ को फिट कर सकते हैं जुपिटर में, तो आप समझिए उसकी जो अगर हम फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो जुपिटर घूम रहा है रोटेट कर रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस तो बढ़ गई, यानी कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई, कम हो गई। इसीलिए आप अगर देखेंगे 365 डेज में कंप्लीट कर लेती है अर्थ एक रोटेशन पूरा, अगर आप जुपिटर को देखेंगे तो उसके कंपेयर में कहीं ज़्यादा है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।